सो गाइस हम लोग आ चुके हैं इंडिया गेट तीनों अम्मी है ये हमारी अम्मी हमारे लिए घर से पानी चाय समोसे वमोसे सब बना के लेके आएंगे ऐसे खाना पैक करके लेके आएंगे हमारे लिए मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे क्या यहाँ नहीं बैठ रहा था यहाँ थोड़ी मिलेगा कुछ भी ये देखो इनका मेकअप स्टार्ट हो गया यहाँ पे इंडिया गेट पे गाइस इन्हें लग गई बहुत ज्यादा गर्मी गाइस तो हम रेडी हो गए तो गाइस मरियम ने अपना रोजा खोल लिया है इसने रोजा अफ्तार कर लिया है इसकी मन्नत थी कि मैं जब भी इंडिया गेट पे जाऊंगी तो रोजा रख के जाऊंगी मेरी जब एक ब्यूटीफुल फ्रेंड बन जाएगी आयशा नाम की तब उसके साथ मैं अफ्तार करूंगी गाइस नशरा आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा मोटी हो गई है तो अपना वजन तोल रही है ये अपना वजन तोल रही है अफ्तारी के साथ पागल अफ्तारी का वजन आ रहा तेरा वजन नहीं है इतना हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जगह लाइफ फैमिली ब्लॉग तो गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए इंडिया गेट तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और अम्मी मेरे पास ये बोल देती है फिर निकलते हैं जल्दी से क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो आप लोगों को दिखाएंगे आज दिल्ली का इंडिया गेट पापा तो मैं जा रही हूँ इंडिया गेट अच्छा। फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए ठीक है अच्छा ठीक है अम्मी जाना जरा आराम से ठीक है ठीक है जल्दी वापस आ जाना ठीक है जा रही हूँ मैं बाय बाय हम तीनों फ्रेंड्स मिल चुके हैं और हम सब जा रहे हैं इंडिया गेट और इसके ड्रामे देखो जरा नींद आ रही है और हम जा रहे हैं बस से क्योंकि जब फ्री की सवारी मिली थी क्यों पैसा खर्च करना सही कह रही हो ना धूप लगती हमारी खूबसूरती पे धूप के चार चांद सीधी रोशनी पड़नी चाहिए दो जनों की सीट थी बीच में फंसा लिया बताइए मुझे ये, ये मोहब्बत में बीच चली जा पूरी लिए घुस के कचरा के सो गाइज हम लोग आ चुके हैं इंडिया गेट तीनों अनीश नहीं आई आज हमारे साथ क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आई टाइम टू टाइम उसने धोखा दिया अब चलते हैं अंदर और हमारे पीछे हमारे पीछे है इंडिया गेट तो अभी तक खैर बैरिकेड लगे हुए हैं इन्हें क्रॉस करके फिर पहुँचते हैं और ये रही मरियम दीदी और ये हमारी अम्मी है ये हमारी अम्मी हमारे लिए घर से पानी चाय समोसे वमोसे सब बना के लेके आएंगे बहुत लग रही है देखो गाइस एक बार कहा चिल्ड्रन पार्क के लिए किस साइड से जाना है चिल्ड्रन पार्क के लिए किस साइड से आना चिल्ड्रन पार्क को सामने मैडम एक स्क्रीन नजर आ रहा है ग्रीन कलर का जी उसके आगे चिल्ड्रन पार्क है 10 मीटर आगे लेकिन चिल्ड्रन पार्क सर बोला और बहुत तेज धूप लग रही है और मरियम के हाथ में पिन्नी है नशरा के हाथ में पिन्नी है और मैं बिल्कुल फ्री हूँ मेरे हाथ में कोई पिन्नी नहीं है ये घर से थैले लेके चलेंगे ये हमारी अम्मी है पानी मंगवाया मुझसे इन्होंने चिप्स कुरकुरे मंगवाए थे ये हमारी अम्मी है ये घर से खाना पैक करके लेके आएंगे हमारे लिए मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे मैं किसी को बोलूंगी 10-20 रुपए पकड़ने के लिए पिन्नी और अभी हम जो रोड से आ रहे थे हमें इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा था तो अब हमें इंडिया गेट नजर आ गया बोरा इंडिया गेट मेरे पीछे मैंने देखो पता है थक्कड़ के लिए मुझे पता था तो मुझे धूप में मरवाओगे इसलिए मैं अपना पहले ना एनर्जी जेल लाई ओह माय गॉड ऐसे हम भी पी लेंगे अब इसने धूप में धूप तो दिखा दो पहले हमारे सिर पे कैसे चढ़ी पड़ी है देखो उधर दिखाओ किधर किधर दिखाओ देखो अरे यहीं बैठ गई क्या यहाँ नहीं बैठ रहा था यहाँ थोड़ी मिलेगा कुछ भी यहाँ नहीं मिलने वाला कुछ भी तो गाइस हमारे साथ हो गया इंडिया गेट पे बहुत बड़ा पोपट हम आए थे चिल्ड्रन पार्क के अंदर झूले वूले झूलने के लिए फ्री फंड के मगर आज जो है चिल्ड्रन पार्क वो बंद है मंडे को चिल्ड्रन पार्क बंद रहता है ये अन्नू की बद्दुआ है शायद जिसका हमें ये नतीजा मिला है तो चिल्ड्रन पार्क आज बंद है क्योंकि वो कह रहे हैं आज सिर्फ आत्माएं झूलेंगी मैं भी तो एक आत्मा थी मुझे पता नहीं क्यों झूलने जा रही है देखो ये सफेद भूतनी मसाज चल रही है भाई भूतनी नहीं हुई और मैं इसमें कॉम्पैक्ट हो गया ये देखो
इनका मेकअप स्टार्ट हो गया यहाँ पे इंडिया गेट पे। ये मेकअप करना है तो गाइस मैं आज मेकअप आर्टिस्ट हूँ। कैसे बैठे हैं गरीबों की तरह। ये कॉर्नर मत बनाना है, नहीं बना रही। चलो हो गए तैयार, हो गए तैयार। ये वाली लिपस्टिक ठीक लग रही है मेरे फेस पे, बहुत प्यारी अच्छी लग रही है। पहले छपरन लग रही थी रेड लगा के, वो कैमरे में डार्क आ रही थी। इधर वाला होटल उठाने की सोच रहा हूं। ये देखो आज सारे लिपस्टिक से ही मरियम को सजा देंगी। अरे ऐसे रहने दो, दिखाना एक मिनट, मुझे दिखाना है कितनी लिपस्टिक लगा रहे हैं। मैं इधर से दिखा देती हूं, थोड़ा सा व्यू कुछ नहीं दिख रहा। ये लोग मुझे बोर करने के लिए लाए थे, देखो अपना फोटो शूट करने में लगे पड़े हैं। और इन लोगों की हाई लगी, चश्मा टूट गया मेरा। मरियम की हाई लगी है, चश्मा लेकर नहीं आई थी, मैं चश्मा लेकर आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वो सब खोल दिया था। और ये चक्कर में देखो, अरे ये मरियम गंदी भी निकल गई पूरी, देखो अम्मी से ऐसे लगा सकती है बस। चलो फोटोज तो आ ही जाएंगे, पर हाल लग रहा है यार। रुक जा एक सेकंड, मैं मुझसे वीडियो शूट करवाने के लिए। चलो मैं भी अपने फोन में एक बार ओपन कर लेती हूँ। बस बस अब हम जा रहे हैं झील के पास, यहाँ पे पानी। मैं सोच रही हूँ कि आधी डुबकी लगा लेंगे हम उसमें, जैसे कि गाँवों में कहते हैं डुबकी। तो हम चलते हैं। मरियम से कैमरा संभाला नहीं जा रहा, उसके हाथों से कैमरा थोड़ा मिला हो रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा ये भी अच्छा लगता है। ये ट्राई कर रही है ब्लॉग बनाने की, तो फ्यूचर में शायद इसके भी ब्लॉग आए शादी के बाद। अब मौसम बहुत अच्छा हो गया, जब हमारे तो थोड़ी धूप थी, अब बहुत अच्छा हो गया, तो अब हम मजे कर रहे हैं थोड़े से। अरे फुहारा में तो पानी नहीं है, सीधा सूखा पड़ गया। लो ना पड़ गया सूखा, नशरा ना मेरी जाएंगे बहन बहन तो हमें नहीं नहीं बहन में सबको ले रही हूँ बहन। अरे हरा पानी है बहन। हाँ वो कहीं का जो होता है, खाई 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 गंदा लग रहा है। मरियम की डुबकी मारने वाली थी, नहीं वो डुबकी नहीं मार रही है, मैं आपको दिखाती हूँ पानी कैसा हो रहा है। तो गाइज ये है पूरी झील, जो भी कहते हैं इसे मुझे नहीं पता। सामने है, सामने इंडिया गेट का है। वो इंडिया गेट का है, इंडिया गेट का बैकग्राउंड है। अच्छा, और यहाँ पे सारी काही काही जमी हुई है। ये फुहारा है मगर अभी बंद है। आप थोड़े से यहाँ पे स्वाति भी डांस कर रही है, अपने रील्स बना रही है। अच्छा इन्हें अपने कानों में लगा रखे, सही है, सही है यार। सब वीडियो बना रहे हैं और हम इनका डांस देख रहे हैं। हम धूप में मरना आए हुए, हमारे साथ साथ इतनी पब्लिक आई हुई है यहाँ पर, हम अकेले ही नहीं है इसका मतलब। हाँ, हमें ही लग रहा था कि हम पागल हैं शायद, और सब चिल्ड्रन पार्क की वजह से आए हुए हैं। चिल्ड्रन पार्क बंद है, आज मंडे है तो इसलिए बंद है शायद। संडे में थक जाता हूँ झूले, तो उन्हें रेस्ट मिल रहा है। तो और सब लोग यहाँ पर रील्स बना रहे हैं, देखो देखो यहाँ पर भूतों को भी, सबके कैमरे हैं, देखो कैमरे कैसे ऑन हो रहे हैं यहाँ पर सबके, देखो वाओ। तो गाइस यहाँ सबके हाथ में फोन ही मिलेंगे हमारी तरह। बताओ, और ये रहा पूरा इंडिया गेट। तो अब ये दोनों मोहतरमा खा रही है गोलगप्पे, एक यहाँ खा रही है एक वहाँ खा रही है। उसके पास सूजी के हैं, इसके पास आटे के हैं। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं इंडिया गेट की भेलपूरी कैसी। गाइज इन्हें लग गई बहुत ज़्यादा गर्मी, और इन्होंने यहाँ पर आके धो लिया मुँह, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मरियम कुछ बोलो, कितनी गर्मी लग रही थी बता दो। बस मरियम का
मरियम का श्रृंगार चल रहा है। सही है सही है। ये देखो क्या कर रहा है, ये किया नहीं है, हो गया गलती से, गलती माफ। सही है सही है। वाह सब जुगाड़ लेकर चल लेते आप हैं। गाइस तो हम रेडी हो गए। मैं बड़ी गंदी सी लग रही होंगी क्योंकि ये सब चीज़ गील होगा, सारे बाल समझ में नहीं आएगा। तो गाइस ये दोनों बैठ गई हैं अपनी बुलेट पे और ये बुरखा संभाल है, तो मरियम लेके जाएगी इसे उड़ाते हुए। चलो जाओ बाय, जिंदा वापस आना। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ, अच्छा तो अब मैं जा रही हूँ बाइक लेके ऐसे उड़ाती हूँ। देखो अगर मैं किधर कर ये पक्का ठुकेंगी गाइस। गई है वो राउंड लेने, वो दिख भी नहीं रही यार। अपनी बाइक राइडिंग करके आ गई है, तैयार अंकल जाओ। हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा था अभी बाइक से, और हमने चलाई है अभी यहाँ पे बाइक, आप लोगों ने देखा ही होगा, और हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा है। गाइस बाइक चला के मेरी हालत देख लो, और हमने बाइक को पैरों से रोका है, हम ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे चाहे हमारे जूते फट जाए। जूते फट गया ऑलरेडी मेरे तो। चले चलो गाइस, मरियम अब रोजा खोलेगी तो अफ्तारी ले रही है यहाँ से, तो अफ्तारी ले रही है मरियम ने, अब यह मरियम अफ्तारी खाएगी, अल्लाह इसका रोजा कबूल नसीब फरमाए। तो गाइस मरियम ने अपना रोजा खोल लिया है, इसने रोजा अफ्तार कर लिया है, इसकी मन्नत थी कि मैं जब भी इंडिया गेट पे जाऊंगी तो रोजा रख के जाऊंगी और वहीं से अफ्तारी लेके रोजा खोलूंगी। तो अब इसने वहां से अफ्तारी ले ली और रोजा खोल लिया है। तो आपको कैसा लग रहा है, आपका सुबह से रोजा था अल्लाह, देखो कैसे चल रही है, अपनी ही धुन में मगन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोजा बहुत अच्छा गुजरा और मुझे बहुत अच्छा लगा रोजा रख के इंडिया गेट पे आना। इसने ये जब से पैदा हुई थी तो इसने मुझे बताया है कि जब मैं 5 साल की तब मैंने मन्नत मांगी थी कि इंशाल्लाह इंडिया गेट पर रोजा अफ्तार करूंगी जाके, तो आज इसने वो अपनी मन्नत पूरी कर ली है। इसने कहा था मेरी जब एक ब्यूटीफुल फ्रेंड बन जाएगी आयशा नाम की तब उसके साथ मैं अफ्तार करूंगी। फाइनली वो हो गया, तो इसका सपना जो है पूरा हो गया है, अल्लाह ऐसे सपने सबके पूरे कराए। गाइस आप लोग बेसे करा रहा हूं। इंडिया गेट पे आकर रोज अफ्तार करें, ठीक है, बाय बाय। गाइस नशरा आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा मोटी हो गई है, तो अपना वजन तोल रही है। आवाज आई अंकल टूट गया क्या? हाँ तेरा वजन तो टूट सकता है, बहुत मोटी है ना तू। ये अपना वजन तोल रही है अफ्तारी के साथ, पागल अफ्तारी का वजन आ रहा, तेरा वजन नहीं है इतना यार, देख तो लो कोई अभी सही मेरे में यार 10 रुपीज दे दो। तो गाइस हम जा रहे हैं अपने घर, मतलब मैं उतरने वाली हूँ अभी, लोग जाएंगे ऑटो में आगे जाएंगी, बस वही यहीं रोक लो।